नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। रोज़मर्रा में खाई जाने वाली जो चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपको आयुर्वेद पहलू से रूबरू कराती हूँ। एक ऐसे बीजें हैं जो हजारों साल से हमारे ऋषि मुनियों ने उसमें के औषधीय गुण खोजे थे, लेकिन वर्तमान में एलोपैथ साइंस में इसके बहुत रिसर्च हुए हैं। इसमें इतनी अधिक रोग प्रतिरोधक शक्ति है, जिसको ओमेगा थ्री आजकल जो नया बोलते हैं, ओमेगा थ्री फाइबर विटामिन प्रोटीन्स ये सभी चीज़ें हैं, जिसको हम अलसी बोलते हैं। ये देखिए, ये अलसी, अलसी के नाम से सब जानते हैं। महाराष्ट्र में इसको जवस भी बोलते हैं। जवस एक तेल के रूप में भी मिलता है, जवस का तेल और अलसी ये बीज भी मिलती है। अब पहले तो मैं आयुर्वेद के इसके बारे में मैं बताती हूँ कि अगर इसको लेते हैं और इसके लेने की विधि बाद में बताऊँगी, तो इसका शरीर पे क्या क्या प्रभाव होता है। देखिए, अगर इसको इसकी तासीर थोड़ी गर्म है, बहुत अधिक गर्म नहीं है, जैसे मैं बताती हूँ कि पित्त प्रकृति वालों को नहीं लेना चाहिए, पर उन्हें वो भी ले सकते हैं क्योंकि बहुत अधिक गर्म नहीं है। एक तो ये बलवर्धक है, शरीर में ताकत देता है। देखिए, मांस बढ़ना अलग चीज़ है और शरीर में मसल्स बढ़ना एक अलग चीज़ है। मांसपेशी को स्ट्रांग करता है, चूँकि थोड़ा चिकट होता है। आँखों की रोशनी तेज करता है। पित्तनाशक भी है, एसिड गर्म होने के बाद भी पित्त कम करता है। शरीर में जितने फोड़े फुंसी, अधिकतर फोड़े फुंसी होते रहते हैं, बच्चों को बड़ों को बाल तोड़ वगैरह होते रहते हैं, कई बार जख्म पकते नहीं हैं, तो फोड़े फुंसी की भी रोकथाम ये अलसी हमारी करती है। फ्लैक्सीड भी इसको इंग्लिश में बोला जाता है, और जनरली फ्लैक्सीड से ही ये बहुत लोकप्रिय हुआ है अभी वर्तमान में अलसी। इसमें रक्तवर्धक तो गुण है, सबसे अच्छी चीज़ इसमें जो है हार्ट के लिए। हार्ट में ये कोलेस्ट्रॉल, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक बेड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम LDL बोलते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं जिसको HDL बोलते हैं। इसमें एक खासियत है, ये ख़राब कोलेस्ट्रॉल को तो ख़त्म करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसलिए जिसमें कि रिपोर्ट में इस तरह की कोई रिपोर्ट में गड़बड़ आती है, तो आप इसे ज़रूर लेना चालू करें। ये मधुमेह पर भी काम करता है, BP पे भी काम करता है। आँखों की रोशनी का तो मैंने बता ही दी हूँ। शरीर की किसी भी तरह की सूजन को भी कम करता है। कई तरह की चीज़ें, अगर हम एलोपैथ की तरफ बात करें, उनके रिसर्च के, उनके एलोपैथ के अनुसंधान के, आधुनिक विज्ञान के, तो इसमें प्रोटीन है, ओमेगा थ्री है, जो शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अभी अभी क्या हुआ है कि एक महामारी के तहत हमारा रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत कम हो गई है, इसलिए इसे डेली अपने जीवन में लेना चाहिए। और मैं लेने का तरीका भी अभी बताती हूँ किस तरह से लेना चाहिए। इसके कई तरह के व्यंजन निकल गए हैं, लेकिन हमें अपने देसी तरीके से ही इसको लेना चाहिए। ये इतनी अच्छी चीज़ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। महाराष्ट्र में कभी आप उधर जाएं तो जवस की चटनी, मतलब जवस की चटनी, अलसी की चटनी, मेरा एक वीडियो बहुत पुराना बना हुआ है अलसी की चटनी के बारे में, ये इतना महाराष्ट्र में खाया जाता है, इसकी बड़ी डिमांड है और खूब खेती हो रही है। अभी तो मैं इसका पौधा नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि सुसुप्त अवस्था में है, मतलब अभी उसका सीजन नहीं है। छोटा सा पौधा होता है, जामुनी कलर के फूल लगते हैं और ऐसे बिल्कुल एक बादाम से थोड़ी छोटी आकार के फल लगते हैं, उसमें जवस अलसी होती है। तो इसकी खेती कर सकते हैं और थोड़े से बीज आप अपने गमले में भी उगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, मतलब डेकोरेट पौधा भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके फूल बड़े खूबसूरत होते हैं। अब रही बात इसको लेने की विधि, तो मैंने बताया कि इसकी चटनी बनती है। चटनी का आप देख लें मेरा पुराना वीडियो, और नहीं तो आपको मैं नया एक वीडियो बना के डालूँगी। ये अलसी को भून लेते हैं, उसमें लहसुन जीरा और लाल मिर्च नमक, इस साधारण सी बनती है लेकिन स्वाद में इतनी अच्छी लगती है, और सूखी चटनी है, महीनों तक ख़राब नहीं होती है, इसको उस रूप में भी खा सकते हैं। दूसरी बात, इसको मुखवास के रूप में भी,
जैसे आजकल तो पैकेट काफ़ी महंगे मिल रहे हैं, मैं देखती हूँ कि इतनी सस्ती चीज़ और बाज़ार में इसका रूप बदल के ये इतनी महंगी हो जाती है, तो क्यों ना हम इसको 1 किलो 2 किलो खरीद लाएं और तेल निकाल लें। तेल बाज़ार में मिलता है अलसी का तेल के नाम से, या फिर धानी से निकाल दें, तेल का भी प्रयोग करें। ओमेगा तो आप जानते हैं बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ओमेगा 3 है। और ये देखिए मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ कि बाज़ार में इस तरह के कुकीज़ भी मिलते हैं जिसमें अलसी बहुत तादाद में होती है। अलसी ब्रेड मिलती है, बिस्किट्स वगैरह, कई तरह की चीज़ें, तरह तरह की चीज़ें इसके बनने लगे हैं। तो क्यों ना इसको भूंज के आप जब भी कोई सलाद बनाते हैं या कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं या आप बेक वेज बना रहे हैं या जो भी आप मॉडर्न चीज़ें बना रहे हैं, उसमें आप तिल्ली की जगह थोड़ा सा इसे भुनी हुई को डाल दें, खाने में अच्छी रहेगी। और नहीं तो ये इतनी एक चम्मच, मैं तो बोलूँगी कि सब ये फुल एक चम्मच 1 टीस्पून भुना हुआ डेली खाइए, बिल्कुल बिना डरे खाइए। बहुत गर्म नहीं करता, इतने फायदे हैं, इतने फायदे कि अगर मैं पूरे फायदे गिनाने चाहूँ तो ये कम पड़ेगा वीडियो। आपको तो बस लेना है, नुकसान कुछ नहीं है, अच्छी चीज़ है, बहुत सस्ती चीज़ है। आप इसके जो व्यंजन बाज़ार से खरीदते हैं वो काफ़ी महंगे रहते हैं, इसलिए हम लोग कभी कभी अपने बजट को देख के महंगी चीज़ नहीं ले पाते हैं। तो क्यों ना भाई मार्केट से ये फ्लैक्स सीड 1-2 किलो खरीद लाएँ और उसके व्यंजन घर पर बनाएँ। जैसे मैंने बताया चटनी बनती है, लड्डू बनते हैं, लड्डू भी बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। आप घर में हलवा बनाते हैं उसमें थोड़ा कूट के डाल दीजिए। महिलाएँ हैं, भारत की महिलाएँ बहुत दिमाग लगाती हैं कुकिंग में, आप कंपटीशन करवा दीजिए, देखिए वो घास के भी व्यंजन बना के दे देंगी। बहुत होशियार है भारतीय महिलाएं, तो इसके तरह तरह के व्यंजन बनाएं और इसको डेली अपने परिवार में आप इसको सम्मिलित करें। एक चीज़ और बता दें, एक बहुत महंगा कपड़ा आता है कॉटन का जिसको लिनेन बोलते हैं, लिनेन भी बोलते हैं बहुत आजकल, मतलब खादी के ऊपर का जो कॉटन आता है बहुत महंगा होता है लिनेन, मतलब हर किसी के बस की बात नहीं। वो लिनेन का कपड़ा इसी के फाइबर से बनता है, बहुत कड़क रेशा होता है इसका, इसको प्रोसेस करके वो कपड़ा बनाया जाता है जो काफ़ी नरम होता है और बहुत कॉस्टली भी होता है, मैंने बताया, और कई तरह का मिलता है और बड़े VIP लोगों की ही चीज़ें हैं वो सब। तो ये कपड़ा भी इसी से बनता है, इसी से निर्मित होता है, तो आप इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे, मैं यही इतना वीडियो समाप्त करती हूँ, लेकिन आपसे एक वादा चाहती हूँ, एक वादा चाहती हूँ, आप अपने घर के आसपास, अपने घर के अंदर, अपने शहर में, अपने देश को स्वच्छ रखें। देखिए मैं इंदौर की हूँ, हर बार इंदौर प्रथम आता है सफाई में। अभी हमारी इंदौर वासियों की ऐसी आदत हो गई कि चलती कार में हम इलायची का छिड़का भी नहीं फेंकते हैं, हमारी आदत हो गई। अब आप लोग भी इस आदत को अपनाएं, डस्टबिन में कचरा डालें, सफाई का ध्यान रखें। कई विवाद आस पड़ोसियों को कचरे को लेकर ही होते हैं, इसलिए सफाई का मेरे से वादा करें। स्वच्छता जरूरी है शरीर के, अपने जहाँ रहते हैं निवास स्थान के, अपने देश की। यही मैं चाहती हूँ, भगवान धन्वंतरि आपको सदैव सुखी रखे, निरोगी रखे। धन्यवाद आपको।